हाय दोस्तों, जैसा कि हम हाय दोस्त, आप सबका स्वागत है टीजवेल के एक नए लेक्चर में। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट 4 का लेक्चर नंबर 1 देखेंगे हम। आज हम यूनिट 4 स्टार्ट करें, जैसे कि हमने आपको ब्रिक के लेक्चर्स में बताया थे कि हम किसका, तो यूनिट 4 का आपका जो क्या है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, मतलब सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर का जो कंस्ट्रक्शन करना है हमको, वो हम देख रहे थे। तो हम अपने आपको बताया था कि ब्रिक वाला जो लेक्चर चल रहा था उसमें हमने बताया था कि ये हमको देखना है, तो आज हम वही स्टार्ट करेंगे। तो आज ये देखिए, सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर, पहले तो ये बताइए आप सब क्या होता है। आई थिंक आप सब रिकॉल कर रहे होंगे, हम आपको बता देते हैं। ये जो हम बांट रहे थे प्लिंथ लेवल, प्लिंथ लेवल के ऊपर का जो कंस्ट्रक्शन हम बिल्डिंग करेंगे उसको सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं, और प्लिंथ लेवल के नीचे का जो कंस्ट्रक्शन हम बिल्डिंग करते हैं उसको सब स्ट्रक्चर बोलते हैं। आप सब ये सब जानते ही हैं। ठीक, ये प्लिंथ लेवल हुआ, इतना दूर का हुआ हम सब इतना जान रहे थे। लेकिन अब इतना हम जानते कि इसको कहते हैं, इसको कहते हैं, लेकिन इसको बनाना स्टार्ट करें हम। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो मटेरियल के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। अभी तक जितना भी हम पढ़ रहे थे ना, वो मटेरियल के बारे में पढ़ रहे थे, मटेरियल के बारे में पढ़ रहे थे। जैसे कि स्टोन, स्टोन एक मटेरियल के बारे में हमने पढ़ा, ब्रिक भी हम मटेरियल के बारे में पढ़ रहे थे, टिम्बर भी हम मटेरियल के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कि हम मटेरियल के बारे में पढ़ रहे थे कि हाँ कौन कौन सा मटेरियल से घर हमारा बनता है। अब घर बनाना है तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऊपर से पहला मंजिल से नीचे तो नहीं जाएंगे ना, तो नीचे से ना ऊपर आते हैं हम, तो वही नीचे से स्टार्ट करते हैं। यानी कि अपन जमीन के नीचे जो हमारा कंस्ट्रक्शन होता है उनसे स्टार्ट करते हैं। जमीन के नीचे जो कंस्ट्रक्शन, उसको हम क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। देखिए आज का क्वेश्चन आप सब लिख लीजिए। व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ प्लिंथ, द प्लिंथ का मिनिमम हाइट हमको कितना रहना चाहिए, कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक, कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। आज के ये क्वेश्चन हमारा यही है। ठीक, तो वही बोले थे प्लिंथ लेंथ के ऊपर जो था और नीचे था, नीचे में हम लोग को सब स्ट्रक्चर था, नीचे को हम लोग सब स्ट्रक्चर बोले थे। उस सब स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो आपको इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक में डालना है। जॉब लेआउट एंड प्रिपरेशन, जॉब लेआउट जो है ना उसको आपको फर्स्ट टॉपिक इसका जानना है। देखिए इस चैप्टर का नाम क्या है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर एंड सब स्ट्रक्चर। टॉपिक का नाम क्या है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर एंड सब स्ट्रक्चर, मतलब सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर। ठीक, इसमें हम पहले क्या पढ़ेंगे, तो सब स्ट्रक्चर अपना पढ़ेंगे। सब स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या किया जाता है, तो जॉब लेआउट बनाया जाता है। यानी कि देखिए कोई भी जमीन है ये, तो उस जमीन में हम पहले नक्शा बनाते हैं ना कि हाँ यहाँ पे पिलर डालना है, यहाँ पे पिलर डालना है, ऐसे ऐसे यहाँ पिलर रखना है, यहाँ पिलर रखना है, यहाँ पिलर रखना है, इतना दूर छोड़ना है आपको जमीन। नक्शा बनाते हैं ना कि हाँ, मतलब ऐसे जनरली मुंह से भी बताते हैं, लेकिन पहले दिमाग में सोचते हैं ना कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो यही जो नक्शा बना के हम जमीन पे इसको उतार रहे हैं ना, पहले हम कागज पे बनाए उसका, जिसको जमीन पे उतारे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो जॉब लेआउट कहते हैं। ठीक, उसी को हम जॉब लेआउट कहते हैं, सिंपली लेआउट कहा जाता है उसको। फिर लेआउट करने के बाद हमको जहां जहां गड्ढा खोदना है, एक्सकेवेशन करना है, वहां वहां हम एक्सकेवेशन कर देते हैं। किसके लिए, तो फाउंडेशन के लिए। अपने फाउंडेशन में जब हम बता रहे थे तो बताए थे ना एक्सकेवेशन करके फाउंडेशन डाला था, तो वही अभी स्टार्ट कर रहे हैं, वही पढ़ना है। तो ये एक्सकेवेशन करके हटा लेते हैं कि हाँ यहाँ पे हमको फाउंडेशन का जगह चाहिए। तो वही पहले हम लोग जॉब लेआउट, लेआउट प्रिपेयर किए जॉब का, फिर उसके बाद एक्सकेवेशन के, एक्सकेवेशन के बाद हम फाइनली फुटिंग बना लेते हैं। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, और यहाँ पे फुटिंग, फाउंडेशन बना लेते हैं, जिससे हमारा ये पूरा जॉब लेआउट जो है पूरा वो खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर फाउंडेशन के बाद हम लोग सिंपली फिर सुपर स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे कि उसमें क्या क्या किया जाता है, नहीं किया जाता है। तो ये देखिए इतना है हमारा जॉब एक चीज में, सुपर स्ट्रक्चर में। उसमें आपको पहला वाला में क्या पढ़ना है, तो पहला वाला में यही पढ़ना है आपको, जॉब लेआउट, उसका एक्सकेवेशन एंड फाउंडेशन एक साथ ही आपको पढ़ना है कि हाँ एक्सकेवेशन करके फाउंडेशन कर रहे हैं वो चीज। तो एक्सकेवेशन में जनरली कुछ नहीं होता कि हाँ जॉब जैसे प्रिपेयर किए कि हम इतना दूर तक लेआउट किए हैं, मान के चलिए कि कोई भी जमीन है उसके किनारे में हम इतना दूर तक लेआउट किए हैं, तो इतना दूर यहाँ से यहाँ तक का गड्ढा खोद देंगे हम लोग। उसके बाद खोदने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो एक्सकेवेशन कहते हैं। खोदने की प्रक्रिया को ही एक्सकेवेशन कहते हैं। एक्सकेवेशन में यहीं तक रहेगा हमारा, यहीं तक ये खत्म हो जाएगा एक्सकेवेशन। तो जनरली एक्सकेवेशन को आपको सेपरेटली नहीं पढ़ाया जाएगा, और आपके टॉपिक में भी सेपरेटली नहीं दिया गया है, सेपरेटली आपका बस जॉब लेआउट और फाउंडेशन के नाम से दिया गया है। ठीक, तो जॉब लेआउट हम लोग स्टार्ट करते हैं। पर्पस क्या होता है, आप जानेंगे कि जॉब लेआउट, हम लोग जानेंगे जॉब लेआउट तो हो गया, लेकिन पर्पस क्या होता है जॉब लेआउट का। जॉब लेआउट का पर्पस ये होता है ना कि जो भी हम घर बनाएंगे वो अच्छा बनना चाहिए, मतलब नीचे का जो फाउंडेशन है वो एक सुटेबल रहना चाहिए। आपको हम जब फाउंडेशन बताए थे उसमें, तो आप बताए थे कि मेन काउज क्या होता है फाउंडेशन का, मतलब फाउंडेशन अगर जो खराब रहा तो घर के मेन काउज होता है कोलैप्स का, कोलैप्स यानी टूटने का
मेन कारण यही होता है। तो वही इसलिए हम जॉब लेआउट बनाते हैं, इसलिए हम लेआउट बनाते हैं कि हमारा जो भी जॉब होगा अच्छा से जो फाउंडेशन होगा उसका प्रॉपर डेफ्त रहना चाहिए, प्रॉपर हर जगह वो सब जगह एक जगह समान रहना चाहिए, कहीं पे भी ज़्यादा टिल्ट नहीं हो, यहाँ पर जहाँ पे ज़्यादा मिट्टी हमको ढीला पर है वहाँ पे ज़्यादा अच्छा से फाउंडेशन को एडजस्ट करें, जहाँ डार्क है वहाँ पे भी अच्छा से। तो वही बोल रहे हैं हार्ड है, सॉरी डार्क बोल रहे हैं हार्ड है। तो उन सब चीज़ों के लिए हम लेआउट करते हैं, ठीक। लेआउट करने के बाद हम एक्सकेवेशन करते हैं, वहाँ पर गड्ढा करेंगे खोदेंगे तभी ना हम या जो है हमारा फाउंडेशन का जो पिलर पाइल होगा उसको नीचे जमा सकेंगे अपने सॉइल में। तो इसलिए हम एक्सकेवेशन करते हैं, ठीक। एक्सकेवेशन के बाद फाइनली फुटिंग डाल के फाउंडेशन तैयार कर देते हैं हम लोग। आप लोग सुने होंगे कि कुर्सी बन रहा है या नींव बन रहा है, तो वही कुर्सी और नींव बनना ही फाउंडेशन कहलाता है। उससे पहले आपने घर देखा होगा तो कहीं कहीं ऐसे गड्ढा कर करके खोद दिया जाता है ना, फिर यहाँ पिलर यहाँ पिलर यहाँ पिलर यहाँ सामने भी ऐसे करके बना दिया जाता है पिलर पिलर पिलर, फिर यहाँ से ऐसे छत डाल के फिर इसे जोड़ दिया जाता है। तो वही कुर्सी तैयार करना उसी को कहते हैं, यानी कि उसी को बोलते हैं फाउंडेशन बनाना। तो यही फाउंडेशन बना रहे, तो यही हमको पढ़ना पहला क्या टॉपिक, तो जॉब लेआउट। जॉब लेआउट में आपको क्या क्या पढ़ना है टॉपिक आप तो देखिए, इसलिए बस आपके स्क्रीन पे होगा जॉब मतलब टॉपिक हम 4.1 ले रहे हैं वो जॉब लेआउट है। तो उसमें पहले देखिए क्या साइट का मतलब जो भी है क्लियरेंस है, साइट क्लियरेंस है, फिर लेआउट है, फिर उसका जॉब लेआउट बाय फ्रेमवेयरिंग और लोड लोड जो भी है स्ट्रक्चर उसका सेंटर लाइन मेथड और फेस लाइन मेथड से जॉब लेआउट करना है हमको। फिर प्रिकॉशन देखना है। तो वही देखिए सेंटर लाइन मेथड में और फेस लाइन मेथड में अंतर क्या है। फेस लाइन मेथड में होता है ना कि हम लोग यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा अच्छा से कंसिडर करते हैं, और सेंटर लाइन में होता है कि हम बस यहाँ से एक सेंटर लाइन खींच देते हैं, और फेस लाइन मेथड में होता है कि वॉल के थिकनेस को कंसिडर करके चला जाता है। बस इतना ही अंतर है और कुछ अंतर नहीं है, दोनों में बस छोटा सा अंतर है कि एक में वॉल का थिकनेस को एक में सेंटर लाइन खींच के हम लोग करते हैं। तो वही है जो सेंटर लाइन मेथड और फेस लाइन मेथड दोनों में यही अंतर है। दोनों के सहायता से हम फ्रेम वेयरिंग और लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर को कैसे मार्क करते हैं वो देख लेंगे, मतलब उनका लेआउट कैसे करते हैं वो देख लेंगे चैप्टर में, और फिर उसमें प्रिकॉशन हमको क्या क्या रहना चाहिए, यूज़ किस लिए, पर्पज़ क्या है इसका, ये सब चीज़ मतलब देख लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा दो दो लेक्चर मैक्सिमम जाएगा इसका, दो से तीन लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा, या चार दिन तो फिर पाँच लेक्चर मैक्सिमम जाएगा, चार लेक्चर इसका मैक्सिमम जाने की कोशिश हम ले जाने की कोशिश करेंगे, और चार लेक्चर में खत्म भी हो जाना चाहिए। उससे पहले हम लोग ब्रिक देख रहे थे, ब्रिक के बारे में हमने उसका कंपोजिशन ये सब देखा था हमने, जो हमारे साथ साथ ब्रिक का लेक्चर चल रहा है उसको भी देखिएगा। अगर इस वीडियो से आपको जरा सा भी इन्फॉर्मेशन मिलता है तो प्लीज़ हमें हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जो मुफ्त का कॉन्टेंट चल रहा है वो उसका फ़ायदा उठा सके। चलिए तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ऐसे सुपर यूनिट फोर्स कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर में क्या क्या हो जाएगा, जॉब लेआउट एक्सकेवेशन एंड फाउंडेशन, ये चीज लिख लीजिएगा, उसके बाद स्टार्ट करेंगे जॉब लेआउट या लेआउट क्या होता है, ठीक। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं, आगे जैसे कि हम बता रहे थे मतलब फोर्थ चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, उसमें हमने बताया था कि आपको जो हम सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर का अंतर बताया था हमने आपको, फिर सब स्ट्रक्चर को कैसे प्रिपेयर करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सब स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ हमने इंक्लूड किया था। तो पहला फाउंडेशन था, फाउंडेशन के लिए पहले हमको साइट तैयार करना पड़ता था, साइट तैयार करने के बाद एक्सकेवेशन करना पड़ता था, तो उसके बाद फाउंडेशन डालते थे हम, ठीक। तो वही हम पहले साइट क्लियरेंस देख लेते हैं, यहाँ पे जॉब लेआउट से पहले प्रिपेयर करना, यानी कि जॉब लेआउट जो बनाते थे साइट क्लियरेंस क्या है, तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑल एनी ऑब्स्ट्रक्शन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम रिमूव करते हैं यानी कि हटाते हैं एनी ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि जो बाधा होते हैं ना उसको, ऑब्स्ट्रक्शन यानी बाधा होता है, जैसे कि लाइट ट्री पेड़ हो सकता है, कोई प्लांट पौधा हो सकता है, बिगर साइज का स्टोन हो सकता है, फ्रॉम फील्ड साइट, फील्ड या साइट उसी बोलते हैं इज नॉन एज साइट क्लियरेंस, उसको साइट क्लियरेंस बोलते हैं, यानी कि साइट को हम साफ सुथरा बना रहे हैं ना। तो वही चीज किन किन चीज़ों को हटा के, तो पेड़ पौधों को या बड़े प्रकार के पत्थरों को हटा के जब हम साइट को अपने अकॉर्डिंग यानी कि जॉब लेआउट कर सके उसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं तो हम उसको साइट क्लियरेंस बोलते हैं। जैसे कि देखिए कोई भी एक ग्राउंड है, यहाँ पे बहुत सारे घास फूस है, ठीक, या बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो यहाँ से हम मान के चलिए अपना प्लॉट का नाप कर रहे हैं, प्लॉट का मतलब जहाँ से हमको एक्सकेवेशन करना है जॉब लेआउट बनाना है, वहाँ से ऐसे ऐसे करके आ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे घास घूस है या पेड़ पौधा है, तो उसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बड़ा प्रकार का पत्थर ही है उसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन आएगा कि नहीं आएगा, तो उन सबको साफ करना ही हमारा साइट क्लियरेंस कहलाता है, यानी साइट को क्लियर करना ही साइट क्लियरेंस कहलाता है। वही बस इस लाइन में बताया जा रहा था, ठीक। अब देखते हैं आगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टू बी कंसिडर इन ए जॉब लेआउट, जॉब लेआउट में इसको बहुत जो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जॉब लेआउट में, जॉब लेआउट प्लान में, ठीक, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट वर्क, आप किससे पहले, तो प्रोजेक्ट वर्क जो है उससे पहले जो हम जॉब लेआउट बना रहे हैं उससे पहले हमको ये साइट क्लियरेंस करना होता है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसमें, ठीक, कंसिडर किया जाता है जॉब लेआउट प्लान में, बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट वर्क, प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट करने से पहले देयर शुड बी
देयर शुड बी नॉट एनी ऑब्स्ट्रक्शन लाइक ट्री, किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रहना चाहिए वहां पे, कहाँ पे साइड पे, तो जैसे कि ट्री, प्लांट, बिगर साइज स्टोन्स, एटीसी, किसी प्रकार का नहीं रहना चाहिए। अप्रोच रोड शुड बी अवेलेबल, वहां पे अप्रोच रोड रहना चाहिए, ठीक। एंड शुड बी वाइड सो एज टू अलाउ व्हीकल फॉर लोडिंग और अनलोडिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल। देखिए साइट क्लियरेंस में ये भी जोड़ा जाता है, क्योंकि देखिए हम साइट जहाँ बना रहे हैं वहाँ पे रोड नहीं है, तो उसको हम पहुँचाएंगे ना, तो अगल अगल बगल के एरियाज के पेड़ को या कुछ भी वहाँ पे जो है, जो चीज़ है उसको हटाएंगे ही, तो वही हटाने की प्रोसेस कर रहे हैं, तो वहीं पे क्लियर करने की प्रोसेस कर रहे हैं, यानी कि रोड बना रहे हैं किस लिए, लोडिंग और अनलोडिंग पर्पज के लिए वहाँ पर रोड भी बनाना चाहिए। इफ साइट ग्राउंड इज अनइवन, अनइवन यानी कि ऐसा प्लेन नहीं है, अंडुलेटेड बोल सकते हैं, देन इट शुड बी मेड प्लेन। देखिए प्लेन नहीं था तो प्लेन इसको बनाया जा रहा है, यानी कि इस प्रकार बनाया जाएगा। फॉर दिस कंटूरिंग इज डन इन एडवांस, पहले में हमको यहाँ पे कंटूरिंग करना चाहिए। कंटूरिंग देखिए आप लोग मतलब अभी सर्वेइंग पढ़ रहे ही होंगे, सर्वेइंग जब आप सर्वेइंग में शायद आपके सिलेबस में फोर्थ या फिफ्थ यूनिट कंटूरिंग दिया हुआ है। कंटूरिंग एक स्पेशल होता है जिसमें हम ग्राउंड का जितने भी एक भाग है ना वहाँ पे आरएल के हिसाब से एलिवेशन और जो हमारा अपर साइड और लोअर साइड होता है ना, दोनों को एक समतल भाग में लाते हैं, यानी कि उसको प्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो वही कंटूरिंग करना कहलाता है, ठीक। वहाँ पे सर्वेइंग में आपको जो पढ़ा रहे टीचर उनसे पूछिएगा, ज़्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा। पहले ही एडवांस में हम कंटूरिंग कर लेते हैं, स्टडी द फाइनल लेवल्स, लेवल्स का फिर मतलब इसमें फाइनल लेवल का करते हैं, द अप्रोच रोड, ताकि रोड को बनाने से पहले स्टार्टिंग द लाइन आउट, साइड क्लियरेंस एंड फेयर लेवलिंग ऑफ प्लॉट शुड बी कम्प्लीटेड, जिसके कारण हमारा साइड साइड का लेवलिंग हो सके और फेयर रोड वहाँ पे बन जाके बन सके, कंप्लीट हो सके, इसलिए हम कंटूरिंग को पहले एडवांस में कर लेते हैं और साइड और फिर उसके बाद साइड क्लियरेंस करते हैं। साइड क्लियरेंस क्या है, तो अपने मतलब जो साइड में जो भी चीज़ ऑब्स्ट्रक्शन के रूप में प्रेजेंट रहे उसको हटाना ही साइड क्लियरेंस कहलाता है, जॉब लेआउट से पहले ही, ठीक। और वहाँ पे रोड अवेलेबल बना सके हम, ये सब भी थोड़ा 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 चीज के लिए साइड को क्लियर करते हैं, वही साइड क्लियरेंस कहलाता है। इसमें 3 पॉइंट और है, उसको हम लेके आएंगे। उसके बाद देखिए आज ही हम मतलब चाहेंगे कि आपको आधा से ज़्यादा चीज़ थोड़ा सा थोड़ा मतलब लगभग लगभग खत्म करने की कोशिश कर देंगे। वीडियो भले ही लंबा लगे लेकिन आपको पढ़ाना जरूरी है। हम देखिए अब गए थे जो साइट पे हम गए थे, कहाँ, हाँ जहाँ पे हम साइट पे गए थे, आपको ब्रिक का जो हमने बताया था इफ्लोरेंस और आज डायमेंशन वाला था, वो वीडियो भी हमने आपको डाल दिया है, उस वीडियो को भी आप जाके देख सकते हैं। नहीं होगा तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम पिन भी कर देंगे, या आई बटन जो ऊपर दिख रहा होगा वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, या फिर आखिरी में नहीं तो वीडियो के आखिरी में उसको जो वहाँ पिन किया रहता है वो पिन कर देंगे, वीडियो के आखिरी में आप वहाँ से भी देख सकते हैं उस वीडियो को। हम ब्रेक का जो पढ़ा रहे हैं उसके इसके साथ साथ वो भी आप देख सकते हैं। देखिए दोनों अलग अलग यूनिट है इसलिए आपको थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि हम टिम्बर स्टार्ट करने वाले थे लेकिन टिम्बर में एक ही यूनिट का तो नोट किसका पहले बनाया किसका नहीं वो कन्फ्यूजन हो सकता था, इसलिए हम अलग अलग पढ़ा रहे ताकि आपको समझ में ज़्यादा अच्छा से आ सके। आप इसको उतारिए, हम इसके आगे के बचे थोड़ा सा सेटलेंस में थोड़ा सा बचा हुआ उसको लेके आते हैं। जैसा कि दोस्तों अभी हम आपको बता रहे थे साइड क्लियरेंस, साइड क्लियरेंस में हमने आपको कुछ टॉपिक बताए थे, यहाँ पे भी कुछ टॉपिक मतलब उसके पॉइंट्स बताए थे, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। हम आपको बता रहे थे कि साइड क्लियरेंस होता है तो वहाँ पे हम बड़े बड़े जो ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं, यानी कि बिल्डिंग को लेआउट करने में हम जो प्लान लेआउट करते हैं तो वहाँ पे जो बड़े बड़े ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि पत्थर और पेड़ पौधे जो भी मिलते हैं उनको हटाते हैं, और साथ ही जो रोड वहाँ पर बनाते हैं हम ताकि साइड तक पहुँच सके, उन सब चीज़ों को साइड क्लियरेंस में जोड़ा जाता है। तो चलिए हम आगे का पॉइंट देख लेते हैं। उसके बाद क्या, तो दिस हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग द करेक्ट मेजरमेंट विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। देखिए लास्ट पॉइंट जो था ना आपका, हमने आपको बताया था कि जिसमें हम स्टडी करते हैं राइट लेवल का अप्रोच करते हैं, मतलब राइट उसका क्या बोलते हैं उसका रिड्यूस लेवल सेट करते हैं अप्रोच, जहाँ तक हम रोड बना रहे हैं उस सबका, उसी से जुड़ा हुआ ये पॉइंट है। दिस हेल्प इन ऑब्टेनिंग द करेक्ट मेजरमेंट विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन के बिना हम क्या हम करेक्ट मेजरमेंट ले सकते हैं, वो हेल्प करता है कौन सा, जो हम रिड्यूस लेवल नापते हैं वो अप्रोच अपना रोड बनाते हैं उसके हिसाब से। इन शॉर्ट साइट शुड बी क्लीन, मतलब साधारण भाषा में कहना चाहे तो हम कि साइट शुड बी क्लीन प्रॉपरली, साइट जो होना चाहिए प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए ऑल द वे, सभी तरीकों से, अदरवाइज नो एनी अदर कंस्ट्रक्शन, मतलब किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन हम नहीं कर पाते हैं, प्रोसेस आर कैरिड आउट फर्दर, मतलब इसमें और किसी प्रकार का हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाते हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, कब, जब किसी प्रकार से हमारा साइट क्लीन नहीं हो। और जो क्लीन रहेगा साइट तो हम वहाँ पे आराम से जॉब लेआउट प्रिपेयर कर लेंगे, यानी कि देखिए साइट क्लीन रहेगा तभी ना हम आपको जो बता रहे थे कैसे जो नक्शा बना हुआ है हमारा उसको यहाँ पे पोर्टर की सहायता से या किसी चीज़ की सहायता से प्रॉपरली हम यहाँ पे उतार लेंगे।
जो जिसके बाद यहाँ पे हम अर्थवर्क यानी कि जो भी हम एक्सकवेशन का काम करेंगे वो करके यहाँ पे हम फाउंडेशन अपना प्रिपेयर कर सकते हैं, जो 3 स्टेप हमने आपको बता रहे थे उसी के हिसाब से। तो जॉब लेआउट करने के लिए पहले हमको साइट क्लियरेंस करना जरूरी होता है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, नोट डैट, ये नोट करने वाली बात है। फॉर द कटिंग मतलब कटिंग जो कर रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ को हम हटा रहे हैं, एनी एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड टू द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, यानी कि आपको चेतावनी दे रहे हैं, चेतावनी देने का काम कर रहे हैं या कि सलाह देने का काम कर रहे हैं, दोनों चीज़ हो सकता है। यानी कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी कि लोकल जो गवर्नर होता है, गवर्नेंस होता है हमारा, नगर निगम या पंचायत जो भी होता है, उनको पहले हम लोगों को उन लोगों को हम लोग पहले सबमिट करते हैं कि हम इस पेड़ को हटा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि देखिए आपके एरिया में जितने पेड़ आ रहे हैं ना वो सब सरकारी संपत्ति के तहत आते हैं, तो इसलिए पहले उनको बताना पड़ता है कि हम इसको इस पर्पज के लिए हटा रहे हैं। फॉर परमिशन एंड द एक्चुअल कटिंग, उसका जो भी होता है, हम कटिंग का कटिंग स्टार्ट करते हैं, ट्री शुड बी डन एज पर द प्रोसीजर ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेट अथॉरिटी, यानी कि उसके द्वारा जो हमको दिया गया कि हाँ इस हिसाब से पेड़ को काटिएगा, ये कीजिएगा, वो कीजिएगा, वो हम उसके अनुसार ही इसको कटिंग करते हैं, हाँ हट जाते हैं, यही हमारा सेटलेंस खत्म हो जाता है। ठीक, तो उसके बाद हम देखते हैं अब इसका जॉब लेआउट। जॉब लेआउट जो हम आपको बता रहे थे कि हम अपने जमीन पर हम जो नक्शा बना रहे हैं इंजीनियर से, वो चीज़ को हम प्रिपेयर करते हैं ताकि फाउंडेशन को मतलब मिट्टी को एक्सकेवेट कर सके और फाउंडेशन को हम बना सके। तो वही जॉब लेआउट हम प्रिपेयर करने के लिए किस किस चीज़ों का जरूरत पड़ता है हमको, तो जॉब लेआउट क्या होता है क्या नहीं होता वो पहले जान लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, उसमें कौन कौन सा स्टेप होता है, क्या चीज़ होता है क्या चीज़ नहीं होता वो देखेंगे। उसके 2 प्रकार होते हैं, एक सेंटर लाइन मेथड और एक फेस लाइन मेथड, दोनों को भी हम जानेंगे। उसमें भी फ्रेम स्ट्रक्चर मतलब फ्रेम स्ट्रक्चर जो बिल्डिंग था आपका उसका अलग बनता है, और लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर जो बिल्डिंग था उसका अलग बनता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, उसका पर्पज़ क्या है, फिर प्रिकॉशन क्या क्या रखना चाहिए, यही इतना ही पढ़ना है, इसमें इतना ही पढ़ता है आपका 4.1 जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। और साथ ही में आप ब्रिक्स के लेक्चर चल रहे हैं उसको भी देखते रहिएगा, आप इसको नोट डाउन कीजिए। हम लेकर आते हैं जॉब लेआउट। चलिए दोस्तों, जैसे कि आप हेडिंग देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, तो जॉब लेआउट, जॉब लेआउट यानी कि जो हम साइट क्लियरेंस किए थे उसका जो हम अपना जितना भी स्पेस हमको प्राप्त हुआ, यानी कि जो हम साइट क्लियर किए थे, क्या पता था झाड़ के पीछे तक का हमारी जमीन है, ये सब चीज़ हमको देखना पड़ता है ना। तो वही साइट क्लियर करके हम जो जमीन अपना देखे कि कितना बड़ा है कितना बड़ा नहीं है, उसके अनुसार हम जो नक्शा बना रहे हैं उसी को जॉब लेआउट कहते हैं। ठीक, तो जो नक्शा बना रहे थे हम उसमें देखिए नक्शा बना रहे हैं, तो हमको ये चीज़ तो पता चल जाएगा कि हमको बिल्डिंग हमारा कहाँ होगा, उसके अगल बगल कितना ज़मीन हमको बच रहा है, तो उस ज़मीन को कैसे यूज़ करें कैसे यूज़ नहीं करें, वहाँ पे कौन कौन से टेम्पोररी स्ट्रक्चर बन सकते हैं, वहाँ तक रोड जो पहुँचा है वो रोड हमारा क्लियर था, तो क्लियर रोड में जो भी हमारा जगह मतलब रोड में थोड़ा बहुत जो जगह जाएगा उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, कैसे यूटिलाइज़ नहीं करना है, कि जितना बड़ा हमारा ज़मीन है उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ हो पा रहा है कि नहीं हो पाएगा, वो सब की जानने के लिए हम जॉब को प्रिपेयर करते हैं, यानी कि उसको प्रिपेयर करते हैं, उसी को जॉब बोलते हैं, और उसी को हम लेआउट करते हैं यानी कि बनाते हैं। पहले तो सोचे, ठीक, उसको प्रिपेयर किया सब चीज़, साइट क्लियरेंस करते हैं यानी कि प्रिपेयर कर लिए, ठीक, अब फिर उसका जॉब प्रिपेयर हो गया, उसके बाद हम लेआउट कर रहे हैं यानी कि बना रहे हैं कि यहाँ पे हमारा घर रहेगा, यहाँ पे ये रहेगा, यहाँ पे वो रहेगा, जो भी चीज़ है, तो वही, तो उसी को बोलते हैं लेआउट करना, यानी कि जॉब लेआउट प्रॉपर, यही हुआ मीनिंग। इसलिए ऊपर का 2 लाइन में आपको थोड़ा सा वैसे ही समथिंग साइड क्लियरेंस जैसा ही मिलेगा थोड़ा बहुत, उसका नीचे वाला लाइन है वो आपको अच्छा से क्लियर करके बताएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता, क्या चीज़ करना है क्या चीज़ नहीं करना, वो सब कुछ आपको अच्छा से बता देगा। ठीक, तो देखिए अगर जो आपको हल्का सा इससे मतलब नॉलेजेबल लगता है और मिल रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, देखिए इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, हम दिन दिन भर आपको मतलब समझाने में क्या क्या चीज़ है क्या क्या चीज़ नहीं, और कंटेंट जोड़ने में या सब कुछ करने में आपको बताने में लग जाता है, आपके लगता होगा कि 1 घंटा का ही वीडियो है आधा घंटा का वीडियो है, लेकिन उसके पीछे का जो मेहनत है वो बहुत ज़्यादा होता है। पहले वीडियो बनाना होता है, उसके बाद एडिट करना होता है, कुछ चीज़ें आपको फिगर बताते हैं कि फिगर चल रहा है तो वही फिगर ऐड भी करना होता है। देखिए फिगर से याद आया, जो हम आपको बता रहे थे साइड क्लियरेंस, वो देखिए उसके 2 फिगर आपके स्क्रीन पर होंगे, एक में पहले हल्का सा बुशेस को हटा रहे मतलब झाड़ झुड़ी है वो सब को हटा रहे, एक में हल्का सा मतलब डिग करके हटा रहे, जो 2 सेंटीमीटर का जो 20 सेंटीमीटर का हम आपको बता रहे थे ऊपर से हटा देते हैं, तो ये हटा रहे हैं शायद 20 सेंटीमीटर आपको ब्रिक में मैंने बताया था, लेकिन फिर भी इसको साइड थोड़ा सा साइड क्लियर करते तो वही होगा। देखिए 2 फिगर आपके स्क्रीन पे ही है, होप्स आप फिगर देख लेंगे, तो प्लीज़ लाइक कीजिए हमारे सेशन को, ये सेशन आपको अच्छा से लगा अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए उनको भी, आप खुद ही सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम देखते हैं अभी, ये देखिए इसमें क्या, तो जॉब लेआउट, जॉब लेआउट हमने आपको जो समझाया वही चीज़ होता है। ठीक, मतलब आपको समझाया था क्या 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 नहीं है वही देख लेते हैं। अब क्या है, ए जॉब लेआउट इज प्रिपेयर्ड, मतलब उसको बनाया जाता है टू प्रॉमिस, प्रॉमिस यानी कि जो हम उसको जॉब लेआउट जो बनता है ना, तो हम साइट के प्रति प्रॉमिस करते हैं कि हमको ये चीज़ मिलेगा ही मिलेगा, या जो भी जॉब लेआउट प्रिपेयर करवा रहे हैं वो हमसे प्रॉमिस करता है कि आपको ये सब चीज़ सुविधा मिलने वाला है। डैट वर्क प्रोसीड स्मूथली, यानी कि आराम से काम वहाँ स्टार्ट होगा विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, कि साइट क्लियरेंस कर लेते हैं हम, तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ हटाया जा रहा था, वहाँ पर हम कौन कौन से, तो बिग साइज स्टोन को हटा रहे थे, रॉक कोई आ गया तो उसको हटा रहे थे हम, ट्री को हटा रहे थे,
झाड़ियों को हटा रहे थे इटीसी, उसी प्रकार और भी सब चीज़ों को हटा रहे थे ताकि हमारा जो साइड है वो ज़्यादा अच्छा से हमको विजिबल हो सके, सब कुछ वहाँ पे पता कर सके, चल सके क्या क्या क्या, क्या चीज़ है क्या क्या चीज़ नहीं है, अप्रोच रोड बना सके, ये सब चीज़ों के लिए हम जो इन सब चीज़ों को ऑब्स्ट्रक्शन को हटा रहे थे। तो एक जॉब लेआउट का जो हम जॉब लेआउट प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमको एक चीज़ प्रॉमिस करके देता है आगे वाला मतलब जिसको हम दिए हैं काम सौंपे हैं कि आपको बिना ऑब्स्ट्रक्शन के आपका काम स्टार्ट होगा, या जॉब लेआउट हमको प्रॉमिस करता है कि बिना ऑब्स्ट्रक्शन का हमारा जो है वो काम स्टार्ट होगा। द वेरियस कंस्ट्रक्शन रिसोर्सेस, रिसोर्सेस यानी कि जैसे कि देखिए वहाँ पे हो जाएगा वेरियस कंस्ट्रक्शन रिसोर्सेस में क्या हो जाएंगे, देखिए हमको घर बनाना तो उसके लिए आदमी की जरूरत यानी लेबर की जरूरत जरूरी जरूरी है, मशीन उसमें कुछ लगता है जैसे ढलैया में हम लोग मिक्सचर मशीन आते हैं या ढलैया नहीं बोलते उसको मतलब सेंटरिंग और शटरिंग में हम लोग मिक्सचर मशीन आते हैं, फिर जो कारपेंटर होता है जो हमारा डोर विंडो ये सब चीज़ मतलब जो भी हमको जरूरी है कंस्ट्रक्शन में उन सब चीज़ों को हम लोग क्या बोलेंगे रिसोर्सेस बोलेंगे यानी संसाधन। संसाधन चैप्टर आपने 10th में पढ़ा ही होगा, जब बिहार बोर्ड से पढ़ा आपने तो भूगोल का सबसे मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, मतलब बहुत ज़्यादा फेवरेट है ये, टीचर इसको पढ़ाने में आता था एक एक दो दो महीना पार कर देता है क्या। तो संसाधन, संसाधन वो सब चीज़ें जो हमारे काम में आती है, हमारे काम मतलब हम अपने लिए यूज़ करते हैं वो हमारे जरूरतों को पूरा करती है तो उनको संसाधन कहते हैं। तो ये बिल्डिंग बनाने को जरूरतों को जो पूरा करेंगे उनको रिसोर्सेज कहेंगे, रिसोर्सेज यानी उसका हिंदी ही संसाधन होता है, इसका हिंदी क्या होता है तो संसाधन। जो हमारे लिए साधन का काम करें यानी कि जिससे हमारी जरूरतें पूरी हो सके उसी को संसाधन कहते हैं। रिसोर्सेज सच है मटेरियल, जैसे कि मटेरियल यानी कि क्या क्या हो सकता है, ब्रिक हो सकता है, सीमेंट हो सकता है, एग्रीगेट हो सकता है, एग्रीगेट यानी कि गिट्टी जो आपको बोलते हैं, रेनफोर्समेंट यानी कि जो छड़ बोलते हैं वो मटेरियल, मीन यानी कि लेबर, मशीन वेस यानी कि जो हम मिक्सर मशीन बोल रहे थे वो ईटीसी और सब चीज़ें जो भी इनके जरूरत में होते हैं। शुड बी अरेंज्ड, अरेंज्ड यानी कि हम वहाँ पे जमा करते हैं इकट्ठा करते हैं, बनाने से पहले आप ये तो नहीं होगा कि आप गए उठ पुट के चल रहा आज हमारा घर बनावे के हो चल उठ के चल तो चल ऐसे गए लियो हम गए हाँ चल आज हमारा ये करे के हो ये करे के हो ऐसे ऐसे करके घर बन के तैयार, नहीं ना उसके लिए हम लोग पहले प्लानिंग करते हैं क्या क्या चीज़ लगेगा क्या क्या चीज़ नहीं लगेगा उसमें, सब कुछ सबको पता है कि ब्रिक लगेगा, सीमेंट लगेगा, एग्रीगेट लगेगा और सॉरी और फिर रेनफोर्समेंट लगेगा, लेकिन उसके अंदर कैसा बनना है कैसा नहीं बनाना है वो सब चीज़ हमको थोड़ी पता है, उसके लिए तो हमको ट्रेंड आदमी की जरूरत पड़ती है, ट्रेनर नहीं यानी मिस्त्री सब का जरूरत पड़ता है या इंजीनियर का ही जरूरत पड़ता है। तो वही उन सब चीज़ों को हम अरेंज करते हैं यानी कि हम ऐसी तैसे बन जैसे उठ ले चल रहे हो चल बनाए लेंगे बिल्डिंग वाला नहीं आराम से मतलब उसका अरेंज करके चलते हैं। इन ए सच वे टू अचीव ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, यानी कि वही जो हम आपको बता रहे थे साइड क्लियर करते हैं तो हम उसको इतना ऑप्टिमम कर सके यानी कि कितना दूर हमारा है जमीन उसको कितना अच्छा से अच्छा यूज कर सके, वही यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस यही कह रहा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस सॉरी वे टू अचीव, यानी कितना अच्छा से अच्छा उसको हम यूज़ कर सकते हैं कि जो भी हम रिसोर्सेज लगाएं कहाँ तक लगाएंगे कहाँ तक नहीं लगाएंगे, कि हमारे पास उतना ज़मीन भी बचना चाहिए कि हमारे वो सब रिसोर्सेज रखने के लिए जगह भी रहे, वहाँ पे जो ऑफिस बना रहे हैं उन सब चीज़ों के लिए रहे, आसपास टहलने वाला भी जगह भी रहे, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए हम यहाँ पे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं अपने स्पेस का साइड क्लियरेंस के द्वारा। फिर क्या तो द लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, यानी कि बड़ा और जटिल जो प्रोजेक्ट होगा ना उसमें ग्रेटर मतलब बहुत ज़्यादा संभावना होता है विल बी नीड जरूरत होता है फॉर प्लान जॉब लेआउट एंड डिटेलिंग एट साइट, प्लान करने का जो बहुत ज़्यादा जरूरत होता है जॉब लेआउट का एंड डिटेलिंग यानी कि वहाँ पर हम क्या क्या चीज़ करेंगे क्या क्या चीज़ नहीं करेंगे उस चीज़ का डिटेल करना हमारे साइट पे वो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि इसमें बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट या कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट रहेगा, यानी जैसे कि हम आपको अभी बता रहे थे कि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट रहा वहाँ पे गए ऐसे कि हाँ हमको यहाँ देखिए बिल्डिंग बनाना है यहाँ पे ये रखेंगे यहाँ पे वो रखेंगे, तो क्या पता भविष्य में कभी कुछ हो जाए, होना तो नहीं चाहिए लेकिन भविष्य में कुछ हो जाए तो कि हाँ यहाँ पे हम ये बोले थे लेकिन हमको अब यहाँ ये रखना है, तो कुछ ना कुछ तो वहाँ फॉल्ट होगा ना हमारे कंस्ट्रक्शन में, इसलिए उस फॉल्ट से बचने के लिए हम पहले ही प्रिपेयर करते हैं, वही मतलब कि इसमें पहले प्रिपेयर करते हैं और प्लान करते हैं तो उसी को जॉब लेआउट कहते हैं, यानी डिटेल करते हैं साइड करके हम इस साइड है तो साइड में हमको यहाँ पे हमको बिल्डिंग बनाना है अपना मेन का मतलब जो बिल्डिंग है वो बनेगा, उसके अगल बगल हमको जो जो भी वहाँ पे लेबर रहेंगे उनके रहने का व्यवस्था उनके खाने पीने का व्यवस्था यहाँ पे होना चाहिए, वहाँ पे मतलब प्रॉपर यूनिट अनहाइजीनिक यानी कि जो टॉयलेट होता है वही रहना चाहिए, सैनिटरी सुविधा सब कुछ रहना चाहिए, अप्रोच रोड है या नहीं है ये सब कुछ देखना चाहिए, तो वही प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो उसको ही साइट डिटेल बोलते हैं या जॉब लेआउट बोलते हैं। उसका देखिए अब जॉब लेआउट का डेफिनेशन आपको मिलेगा, जॉब लेआउट कैन बी डिफाइंड, जॉब लेआउट रहता है उसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं एज ए साइड ड्राइंग, साइड ड्राइंग यानी कि जो भी हम आ रहा साइड है उसका हम ड्राइंग बना रहे हैं, साइड ड्राइंग देखिए मान के चलिए यहाँ पे हमारा एक साइट है ठीक दिख रहा है बहुत है बहुत ज़्यादा स्पेस है आपके पास दिखने के लिए, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ताकि हमको आसानी हो सके,
अब बहुत अभी बहुत स्पेसिफिक यही साइड हम बना लेते हैं। देखिए साइड ड्राइंग, एक साइड बना लिया हमने कि हाँ इतना बड़ा है हमारे पास साइड ऑफ ऑफ द पर्पस, पर्पस यानी कि जो हमारा पर्पस यानी कि जो हमारा बिल्डिंग बन रहा है उसका कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन जारी है बनाने चाह रहे हैं हम उसके लिए। शोविंग द लोकेशन, किस लोकेशन पे हमारा, नहीं बोलते हैं कि 23.23 नॉटिकल माइल इतना ही है वो, तो वही हमारा लोकेशन होता है वो, या हम बोलते नहीं कि अच्छा हम ऐसे नहीं बोलते हैं कि अपन घर का एड्रेस तो बताएं बेबा, तो वही अब उसका लोकेशन पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ रहते हो, एड्रेस यानी कि तुम कहाँ रहते हो, उसका हिंदी यही होता है। तो वही उस जगह का या उस एड्रेस का हम बताते हैं कि कोई फेमस, जैसे कि हम कोई पार्सल मंगाते हैं, कुछ कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, देते हैं ना कि नियर बाय, यानी कि कोई भी चीज़ होता है उसका। देखिए हमारे अगल बगल दो चीज़ फेमस है, कृष्णा गार्डन होटल, एक रघुनंदन सर का क्लास, हमारा मतलब जो क्लास है सर का वही, तो हम लोग जब भी ऑर्डर करते हैं तो नियर बाय आर्यन क्लासेस या नियर बाय कृष्णा गार्डन होटल, तो वही इन दोनों जो फेमस जगह है उसका हम यूज़ कर रहे हैं ना अपने लोकेशन को दर्शाने के लिए, यानी कि लोकेशन वो दोनों का चढ़ा हुआ उसलिए हम उसका यूज़ करते हैं। तो वही बता रहे कि इस जगह पर हम हैं, वो चीज़ हमको बताता है वो ऑफ एंट्री, लोकेशन बताता है, फिर एंट्री यानी कि एक तरीके से हम एंट्री करेंगे, ये हो गया, एंड एग्जिट, इधर से एग्जिट भी करेंगे, इधर भी हम दरवाजा रख सकते हैं, इधर भी हम दरवाजा रख सकते हैं। चार जगह बताया, एंट्री एग्जिट का, टेम्प्रोरी सर्विसेज, टेम्प्रोरी सर्विसेज में देखिए क्या हो सकता है, जो साइड पे काम कर रहे हैं वर्कर उनका टॉयलेट यहाँ पे बन सकता है, वर्कर जो रहेंगे वो यहाँ पे रह सकते हैं, फिर एक यूनिट यहाँ रह रहा है, एक यूनिट यहाँ रह रहा है, ठीक, फिर अगला यूनिट रहेगा और मतलब जो भी हम वर्कर्स, ठीक, यहाँ वही सर्विसेज हो गया इतने में, ठीक। फिर मटेरियल स्टोरेज, यहाँ पे हम बना दिए हैं कि हमारा इतना दूर में मटेरियल स्टोर होगा, सॉरी यहाँ पे इतना दूर में हमारा मटेरियल स्टोर होगा, ठीक, सीमेंट गिट्टी बालू जो भी करना हमको, ठीक। उसके बाद प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, यहाँ पे हम इस कोना में रख दिए हैं कि यहाँ पे प्लांट बनेगा हमारा, ये जो मतलब जो भी मशीनरी रहेगा सब कुछ इस कोना में रहेगा, एंड साइड ऑफिस, उसके बाद हम एक छोटा सा यहीं पे साइड ऑफिस बना दिए हैं कि हम यहाँ पे जो भी जरूरत रहेगा लेबर्स को वो कुछ भी यहाँ आके मानेंगे, और उसके बाद फिर हमारा जो ये बिल्डिंग मेन रहेगा वो हम यहाँ पे बना रहे हैं। सॉरी बहुत ज़्यादा पानी पी दीजिए, लेकिन तो बता रहे कि मेन बिल्डिंग हमारा जो रहेगा वो ये बीच वाला, ठीक। तो उसका अगर देखिए यहाँ पे लेबर रह रहा है, उसका रहने खाने की सुविधा यहाँ पे रह रहा है, यहाँ रहने खाने का सुविधा, यहाँ पे हम स्टोरेज कर रहे हैं मटेरियल्स का, ठीक, मटेरियल का स्टोरेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मान के चलिए कोई रोड है या इधर से हम इधर रोड बना दिए हैं, तो यहाँ पे आएगा जो भी गाड़ी आएगा वहाँ आएगा, यहाँ पे खाली हो जाएगा सब कुछ, ठीक। उसका ये अंदर ही अंदर यहाँ से यहाँ एग्जिट पॉइंट पे आ जाएगा, या लेबर को जरूरत हो वो यहाँ से एग्जिट कर सकता है, यहाँ से भी एग्जिट कर सकता है। ये हमारा जो ऑफिस है साइड ऑफिस, यानी कि जो भी चीज़ का इसमें जरूरत रहेगा बिल्डिंग बनाने में या इन सब चीज़ों में जो भी जरूरत रहेगा वो यहाँ पे हम करेंगे, और मशीन जो हम रखें वो यहाँ पे करेंगे। तो इन सब चीज़ों को हम एक नक्शे में उतार रहे हैं, अपने बिल्डिंग के अलावा इतना सब चीज़ों को बता रहे हैं कि हम यहाँ अब हमारे साइड पर ये चीज़ होगा, ये चीज़ नहीं होगा, ये वो मतलब जो भी है बहुत सारी चीज़ बता रहे हैं कि हमको इतने दूर में फाउंडेशन का तैयार करना, प्लान ये वो, तो उसी सब चीज़ों को हम क्या कहेंगे, जॉब लेआउट करना, यानी कि इस सब चीज़ों को हम प्रिपेयर करके बता रहे हैं कि हमारे पास इतना स्पेस है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, वही जब जॉब लेआउट कर रहे हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे ये सब सेम चीज़ जो डायग्राम आपको बता रहे थे वही सेम डायग्राम आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा। देखिए बीच में मेन बिल्डिंग है, उसके ऊपर देखिए सब चीज़ दिया हुआ है, टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर, नीचे भी टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, टॉयलेट वॉयलेट स्टोरेज मटेरियल का ये सब चीज़ मेन वेन का रहने का जगह इक्विपमेंट का ये सब चीज़ का, देखिए आपकी स्क्रीन पर पूरा सब चल रहा होगा, अच्छा सा फिगर और सब ये फिगर देख चुके होंगे, ठीक। तो देखिए हम अगला लेके आते हैं, अगला आपको क्या बताने, तो पर्पस यानी कि किस चीज़ के लिए हम बना रहे हैं। जॉब जॉब तो कर रहे हैं हम, यहाँ पे समझ में आया कि हम इन सब चीज़ों को करेंगे, लेकिन उसका पर्पस भी तो होना चाहिए ना कि हाँ इस सब चीज़, अब सामने वाले को समझाना है कि हाँ हमको ये चीज़ अच्छा है कि ये चीज़ बुरा है, तो उसको समझाने के लिए उसका पर्पस बताना होगा ना कि हम इसलिए कर रहे हैं इसलिए नहीं कर रहे होंगे। कि पता कोई मालिक वाला है वो नहीं बोले कि नहीं हम नहीं बनाए थे वो अपन जमीन पर ये सब चीज़, हमारा बस बिल्डिंग तैयार करके तो दे दे या इशू दे, लेकिन अपन जमीन पर हम ये सब चीज़ नहीं करे थे, बताओ तब हम सब की करेंगे। तो यह लगी उसको समझाना है, उसका पर्पस बताना है, उसका उपदेश क्या है, क्या है क्या नहीं है, तो वही चीज़ समझाने के लिए उसका पर्पस देखते हैं हम लोग। तो अब तक आप इसको जो फिगर चल रहा है उसको देखिए और उसके बाद इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक, तो हम उसको लेके आते हैं। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे देखिए हम जॉब लेआउट जो आपको बताया था कि मतलब किस प्रकार से हम वहाँ पे टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर रख बनाते हैं, अपना मेल बिल्डिंग के अगल बगल जो भी एरिया है उसका हम अच्छा से अच्छा यूटिलाइजेशन कर सके, और वो सब चीज़ें आपको जॉब लेआउट में बता रहे थे, उसका पर्पस बताते हैं कि यहाँ पे जो हम जो भी पर्पस
किस लिए उस जॉब लेआउट को बना रहे हैं, क्यों हम टेम्पररी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, क्यों हम वहाँ पे अपना ऑफिस रख रहे हैं, क्या चीज़ रखना चाहिए क्या चीज़ नहीं रखना चाहिए, उस सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं, उसका लेआउट जानेंगे। अभी तो हमने जॉब लेआउट पढ़ा है, लेआउट नहीं पढ़ा, उसका लेआउट पढ़ेंगे। लेआउट में फिर दो प्रकार देखेंगे, एक सेंटर लाइन मेथड, एक फेस लाइन मेथड। उसमें भी दो दो बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो हमारा था, स्ट्रक्चर हाँ स्ट्रक्चर ही था, फ्रेम स्ट्रक्चर और लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, उनके लिए अलग अलग उसको सेपरेट पढ़ेंगे। उसका फिर उसका प्रिकॉशन देख के ये पूरा टॉपिक खत्म करेंगे। होप सो शायद इसी वीडियो में हो जाए तो अच्छा हो जाए, वरना फिर जो लेआउट के बाद का जो दो टॉपिक है, मैंने प्रिकॉशन और उससे पहले का जो है टाइप्स ऑफ लेआउट, उसको अलग में पढ़ेंगे, इसको यहीं पे ख़त्म कर देंगे। ठीक, तो इसको देखिए, होप सो थोड़ा सा लंबा हो जाए, इसलिए धैर्य रख के आप पढ़ते जाइएगा। बस इन्हें कि लंबा हो गया, छो हमने पढ़ा वैसे फेंक दिए, नहीं वैसे नहीं फेंकना है, इसको पढ़ना है, काम देगा आपका भविष्य में बहुत ज़्यादा। ये सब जरूरी चीज़ है, छोटे छोटे टॉपिक है लेकिन ये सब बहुत ज़्यादा जरूरी नंबर होता है जो कंटेंट करता है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। क्या पता इसको चार नंबर पूछे आपका, तो चार नंबर तो गया आपका, नहीं पढ़े तो वही चार नंबर के लिए इसको पढ़ लीजिए। देखिए पर्पस अब देखना स्टार्ट करते हैं, यानी कि उसका जो उद्देश्य था, हम किस लिए उसको यूज़ कर रहे हैं, वो चीज़ देखना स्टार्ट करते हैं। टू सेव टाइम इन डिलीवरिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल एट द साइड ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कि देखिए जो भी हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल मंगा रहे हैं, यानी कि जो भी हम बालू गिट्टी ईटा आपकी भाषा में बोल रहे हैं, ब्रेक सीमेंट एग्रीगेट जो भी मंगा रहे हैं, हम लोग टेक्निकल टर्म में होके जो मंगा रहे हैं, यानी कि किसी जगह से तो हम मंगा ही रहे होंगे। ये तो नहीं है कि हमको पता है कि चल रहे वहाँ से उठा के लाओ, ये चीज़ वहाँ से उठा के लाओ, उसके लिए भी तो कोई अथॉरिटी होगा ना, उन अथॉरिटी से हम उसको लेके आ रहे हैं, तो वो लेके आ रहे हैं तो उसमें जो टाइम जाएगा, जैसे कि हम कुछ मटेरियल मंगाए वो कम पड़ गया, फिर उसके लिए यहाँ ख़त्म हो गया, फिर उधर से जाएंगे, फिर उसका लेके आएंगे मंगवाएंगे, उतना टाइम जाएगा ना, तो उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर करके रखते हैं कि उतना स्टॉक बना लेते हैं कि आज ख़त्म होने वाला है, कल हम जरूरत होगा, इसलिए हम आज ही मंगा के उसको स्टॉक करके रखते हैं। किस लिए? तो स्टोरेज जो हम बना रहे थे अपना प्लान में, स्टोरेज जो हम बताए थे आपको वही चीज़, इसलिए हम पहले से मंगा कर रखते हैं ताकि हमारा डिलीवरिंग टाइम जो है वो सेव हो सके और काम है वो स्पीडली बढ़ सके आगे। फिर उसको क्या था, टू सेफ गार्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल फ्रॉम डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन। देखिए डैमेज का मतलब होता है नुकसान, और डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है जो भी है आप पढ़ लीजिएगा, टूटफूट, उसका मतलब टूटफूट होता है, यानी कि इसको जैसे कि देखिए आप ब्रेक बना रहे थे, हम ब्रेक का ही उदाहरण लेते हैं, ब्रेक जो हम बना रहे थे तो उसके साइड में कहीं कहीं हल्का सा ऐसे हल्का सा क्रैक पड़ जाए, मतलब ऐसे टूट फूट हो जाए उसमें, तो इसी को बोलेंगे डिस्ट्रक्शन, यानी कि थोड़ा थोड़ा सा टूटना, हल्का हल्का नुकसान हो जाए या टूट जाए, तो वही है। उन सब चीज़ों से बचाने के लिए हम मटेरियल को सुरक्षा प्रदान कर, मतलब बचाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि देखिए जॉब लेआउट की हम अपना स्टोरेज जगह हमने सिलेक्ट कर लिया कि हम यहाँ पे मटेरियल को स्टोर करेंगे। आप सीमेंट में पढ़े होंगे यार, आपको सर पहले बताएंगे, मतलब आगे आने वाले जो भी होंगे पढ़ा रहे होंगे आपको स्कूल में या कॉलेज में, तो बताएंगे कि एक लंप करके उसमें होता है, कि मतलब उसका डिफेक्टिव होता है, कि वो मॉइस्चर के कंटेंट में जब भी आता है सीमेंट ना, तो वो जम जाता है। आपने देखा होगा कहीं कहीं कि एक जगह मतलब बोरे में ही रखे रखे सीमेंट पूरा जम गया, वो पत्थर बन गया है, तो वही लंप अप उसे बोलता है, लंप ऑफ सीमेंट, यानी कि उसके अंदर पत्थर जैसा बन जाना ही उसको लंप कहलाता है, यानी कि मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आकर बन गया, तो हमारा मटेरियल किसी काम का नहीं, खराब हो गया। क्या पता गिट्टी जो हम लाए हैं वो ऐसे ही रखा उस पर हीट का और रेन का इफेक्ट पड़ते पड़ते वो चूर चूर हो गया, वो भी कुछ काम का नहीं रहेगा। फिर जो सेंड लाए हैं वो सेंड अगल बगल फैलने लगे तो वो भी खराब हो जाएगा। फिर उसका जो हम ब्रिक लाए हैं, ब्रिक पे रेगुलर पानी पड़ रहा है, एकदम पानी पड़ते जा रहा है, तो उसमें इफ्लोरेंस ज़्यादा हो जाएगा, एल्कलाइज की मात्रा वो ज़्यादा हो जाएगी उसमें, तो वही उन सब चीज़ों से बचाने के लिए, उन सब चीज़ों से बचाने के लिए डैमेज ना हो या डिस्ट्रक्शन ना हो, इसलिए हम उसको सेफ गार्ड यानी सुरक्षा प्रदान करते हैं अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर ही। ठीक, उसका उसलिए हम जॉब लेआउट प्रिपेयर करते हैं। टू एडॉप्ट बेस्ट मोड ऑफ वर्किंग, यानी कि देखिए जो हमारे पास मटेरियल सब कुछ उपलब्ध रहेगा, हमारे पास जो भी मैन है, लेबर है, वो भी उपलब्ध रहेंगे, मशीनरीज भी हमारे पास उपलब्ध रहेगा, तो हम वहाँ पे अच्छा से अच्छा उपयोग कर पाएंगे उन सब चीज़ों का, यानी कि जो हमको जरूरत है जितना ज़्यादा ज़्यादा हम उसको यूज़ कर पाएंगे एक अच्छे वे में, यानी कि एक लेवल में हम मतलब काम आज जितना हुआ अगले दिन उतना होगा, उतना दिन होगा उतना होगा परसों चरसों, तो हम उसको एक अच्छे लेवल में आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। बेस्ट मेथड अपनाएंगे कि हम इस दिन हम छुट्टी भी देते रहे तो अगला दिन हमको इतना काम निकलवा लेना अपने लेबर से या मशीनरी से, तो बेस्ट मोड मेथड होगा उसमें हम काम करवाते हुए चलेंगे। टू कंप्लीट द वर्क विथ द मिनिमम यूजेस ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीनरीज, यानी कि देखिए हम खर्चा भी कम करना चाहते, वहाँ पे हम खर्चा भी कम करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले से जितना भी हम मटेरियल मंगाए हैं शुरुआत में ही, तो उन सब चीज़ों का ही हम उपयोग करके जो भी बचे हुए काम है या कुछ भी है इक्विपमेंट का ही यूज़ करके हम वहाँ पे कम से कम इक्विपमेंट का यूज़ करके हम उन सब चीज़ों को प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं। ये नहीं कि आप देखिए उतना बड़ा है, जैसे कि बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, वहाँ पे हमको किसी भी चीज़ का मतलब मिक्सिंग ही करना है,
तो यानी कि बाय हैंड करने लगे तो उससे हमारा टाइम भी जा जाएगा, सब कुछ कम खत्म भी होगा, लेकिन वहाँ पे हम एक ही इक्विपमेंट का यूज़ कर रहे हैं उससे हमारा टाइम भी बच रहा है, भले लेबर का कमी हो रहा है, मतलब लेबर को हम मतलब वहाँ पे कम काम दे रहे हैं लेकिन वहाँ पे टाइम बच रहा है ना हमारा, कम से कम इक्विपमेंट का भी यूज़ होगा वहाँ पे, हम ना वहाँ पे हम जो आपको बोलते हैं हम बोलचाल की भाषा में कुदार जो बोलते हैं उसका जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर जो लेबर है मिक्स करेगा पहले सीमेंट लगा मिलाएगा वलाएगा तो उन सब चीज़ों का भी जरूरत कम से कम पड़ेगा, तो इसलिए कम से कम इक्विपमेंट भी यूज़ करेंगे हम लेकिन अच्छा से अच्छा काम भी करेंगे और मशीनरी का भी कम उपयोग करते हैं, अच्छा से काम निकलवा लेंगे हम टू गेट मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम लेबर एंड मशीनरीज। देखिए नेक्स्ट लाइन में वही है कि टू गेट मैक्सिमम आउटपुट यानी ज़्यादा आउटपुट हम बना सकें किससे, लेबर से और मशीनरी से हम ज़्यादा आउटपुट ले सकें, यानी कि जैसे देखिए कोई भी कोड़ी होता है साइड पर जो इंचार्ज नहीं रहा तो कोई भी कोड़ी लेबर होता है उस ऐसे जाके बैठ जाता है, कुछ काम धंधा है नहीं ऐसे बेले बैठ जाएगा, काम को आपको डिले कर देगा कि हाँ कल कर देंगे परसों कर देंगे, तो उन सब चीज़ों पर नज़र भी रख सके हम, तो वही बोल रहे हैं बस उनसे अच्छा से अच्छा काम निकलवा सके हम कि हाँ थोड़ा सा बच्चा ले भाई कर दें या थोड़ा सा मशीनरी लगाएंगे तो ये काम हो जाएगा तुरंत जल्दी जल्दी, इसलिए हम उससे अच्छा से अच्छा आउटपुट ले सके लेबर से और मशीनरी से मैक्सिमम ज़्यादा आउटपुट ले सके हम वहाँ, टू अवॉइड डैमेज ड्यू टू कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज टू नियर बाय प्रॉपर्टीज, यानी कि देखिए हम जॉब ले प्रिपेयर करते हैं तो उसका अगल बगल हम फेंसिंग कर देते हैं यानी कि चारों तरफ से घेर देते हैं उसको कि हाँ इससे बाहर हमारा जगह नहीं है, या उतने दूर में हम सेटर उठा देते हैं कुछ भी लगा के, आपने देखा होगा कोई बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनता है तो उसको चारों पट्टी से कवर करके बनाया जाता है ताकि अगल बगल का प्रॉपर्टी नुकसान ना हो, तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं उसी चीज़ को जब तक हमको पता नहीं होगा कि जमीन हमारा तक जमीन कहाँ तक है या कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, लेआउट नहीं करेंगे उसका हम लोग पता नहीं करेंगे तो उसके आधार पर हम बिना ऐसे कैसे घेर देंगे, अगला दिन पता चला कोई उधर से आके बोल दे अरे हमारी ज़मीन यहाँ पे घेर लिया कि नहीं हर वजह से, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे, तो भाई हमारी ज़मीन यहाँ पे रहे यानी कि हम अपने ज़मीन पे ही रहे, इसलिए हम जॉब लेआउट करते हैं, जॉब लेआउट करने के बाद हम फिर कंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटी हो उससे अगला प्रॉपर्टी का मतलब दूसरे का प्रॉपर्टी का नुकसान ना हो, नुकसान होगा तो सीधा आके बोल देगा वहाँ पे नहीं भाई वाह तो वजह से हमारा भी नुकसान हो, पैसा दे हम हमारे दही पैसा वही पैसा दे भरते रहिए, तो यह पैसा ना भरना पड़े तो वही चीज़ को मतलब हम रोकने के लिए यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का डैमेज है दूसरे का, देखिए कंस्ट्रक्शन नियर बाय प्रॉपर्टी यानी दूसरे का जो प्रॉपर्टी है उसके डैमेज को रोकने के लिए हम वहाँ पे जॉब लेआउट प्रिपेयर करते हैं, पर्पस उसका वही होता है चारों तरफ से फेंसिंग यानी कि घेर देंगे जिसके कारण वहाँ नुकसान नहीं होगा, टू स्टोर यानी कि जमा करना कंस्ट्रक्शन मटेरियल एज नियर द प्लेस ऑफ यूटिलाइजेशन एज पॉसिबल, यानी कि जहाँ पे हमको बनाना है यानी कि जो जहाँ पे हम सीमेंट का गिट्टी का और ब्रिक का ये सब का जहाँ पे हमको ज़्यादा यूज है वहाँ पे हम उसको तुरंत स्टोर कर सके, स्टोरेज रहेगा तभी ना वहाँ से निकाल कर जहाँ पे जरूरत वहाँ पे तुरंत लेबर के द्वारा पहुँचा देंगे या किसी गाड़ी के द्वारा ही वहाँ तुरंत पहुँचा देंगे कि हाँ या जैसे कि स्टोरेज यहाँ इस डायग्राम में स्टोरेज यहाँ पे हमने बनाया था कंस्ट्रक्शन यहाँ हो रहा था तो यहाँ से निकाल तुरंत इधर पट्टी पहुँचा देंगे या इधर पट्टी तुरंत पहुँचा देंगे ताकि हमारा जो भी है वो वर्क चलते रहे रुके नहीं, देखिए यूटिलाइज एज पॉसिबल जितना जल्दी हो उतना जल्दी से टू कीप द लीड ऑफ कार्ट्रेज, कार्ट्रेज मतलब होता है गाड़ी का किराया, किराया या भाड़ा, ठीक कार्ट्रेज यानी कि मिनिमम यानी कम होता है उसमें, ठीक सो डेट कार्ट्रेज एक्सपेंसेस यानी कि उसमें जो खर्चा होगा वो कम होगा, अब इसको समझिए जैसे कि जो भी हम अपना साइड हम डिसाइड कर लें कि यहाँ पे ये है ये चीज़ नहीं है तो हम पहले प्लान कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ चाहिए क्या क्या चीज़ नहीं चाहिए तो उन सब चीज़ को हम पहले से ही मंगवा के रख लेंगे अपने पास, तो उससे जो भी हो मतलब एक ही साथ आएगा तो गाड़ी का आपको पता है कोई भी चीज़ एक साथ होता है तो उसका खर्चा कम होता है और कोई चीज़ एक साथ नहीं होता तो उसका खर्चा ज़्यादा होता है, तो वही एक साथ होगा तो उसका खर्चा कम होगा जिसके कारण हमको यहाँ पे कम एक्सपेंस आएगा, बार बार मंगाना नहीं पड़ेगा, बार बार उसको देना नहीं पड़ेगा पैसा, तो यानी कि छुटपुट जो मंगाते हैं हम लोग वो चीज़ एक ही साथ मंगा लिया जाए, देखिए काम चल रहा है तो कुछ ना कुछ तो घटा ही करेगा तो बाद में लाना अलग चीज़ हो गया, लेकिन जो मोटा मोटा मटेरियल जैसे ब्रिक मंगवाना है हमको तो एक ही बार बहुत सारा मंगा लेंगे हम, स्टोन मंगाना है एग्रीगेट मंगाना है सीमेंट मंगाना है तो उन सब चीज़ों को लाके एक ही साथ रखेंगे, यानी कि अब यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है तो बार बार मंगवाए तो पैसा बार बार भरते रहेंगे तो पैसा बार बार ना भरना पड़े, इसलिए हम उन सब चीज़ों को रख लेते हैं मंगा के ताकि हमारा जो कार्ट्रेज का यानी कि गाड़ी का भाड़ा है वो कम पड़े, एक्सपेंसेस उसमें कम होता है ना हम अपने बिल्डिंग में अच्छा से अच्छा उस मतलब यूज़ कर सकते हैं पैसा लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो इन सब चीज़ों के कारण यानी इन सब चीज़ों के कारण यही सब पर्पस होते हैं किसके लिए तो जॉब लेआउट के लिए, किसके लिए तो पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग जॉब लेआउट, इन सब चीज़ों को प्रिपेयर मतलब जॉब लेआउट को प्रिपेयर करने के लिए ये सब चीज़ पर्पस होते हैं, आप होप सो समझ गए होंगे क्योंकि देखिए फनी अंदाज में भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छा से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इसको देखिए उसका लेआउट लेके आते हैं उसके बाद देख लेते हैं कितना मिनट का आपका वीडियो हो गया तो उसके आधार पर आपको नेक्स्ट वीडियो कर देंगे या ऐसी वीडियो में खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए हम लेआउट लेके आते हैं उसका अगला होगा यानी बता देंगे।
चलिए दोस्तों आप आगे देख लेते हैं। सर हम आपको लेआउट लेआउट बार बार बोल रहे थे, लेआउट हमको नहीं लाना था। लेआउट से पहले एडवांटेज और उसका फैक्टर इफेक्टिंग क्या क्या होता है जॉब लेआउट में, यानी कि जो भी हम बना रहे हैं लेआउट उसमें मटेरियल कैसा है कैसा नहीं है, कितना अच्छा मटेरियल लगेगा, उन सब चीज़ों का जो फैक्टर होगा ना, मतलब बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में वो सब चीज़ उसमें थोड़ा थोड़ा कंसिडर किया जाता है। तो ये जॉब लेआउट में फैक्टर देख लेंगे, उससे पहले एडवांटेज देख लेते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है। एडवांटेज भी मतलब उसी की तरह है जैसे कि हम उसका पर्पस देख रहे थे, लगभग थोड़ा बहुत पॉइंट इसमें भी आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो दोनों देख लेते हैं। उसका लेआउट होगा जो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, वहीं से लेआउट देखेंगे, लेआउट के टाइप्स देखेंगे, फिर प्रिकॉशन देख लेंगे। तीन टॉपिक अगले वीडियो के लिए रख लेते हैं हम लोग, ठीक, मतलब इसके पार्ट टू में, लेक्चर यूनिट फोर के लेक्चर टू में आप इसको देखिए। हम फैक्टर फैक्टर लाएंगे, उसका खत्म करेंगे लेक्चर यहीं पर, आप इसको देख लीजिए अभी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एडवांटेज ऑफ गुड लेआउट, मतलब जो अच्छा लेआउट कर रहे हैं तो उसका एडवांटेज क्या क्या चीज़ें। पहला क्या, तो स्मूथ एंड इकोनॉमिकल वर्क ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि जो भी होगा हमारा जो ऑब्स्ट्रक्शन हट जाएगा लेआउट करने के पे, हमारा जो होगा वो ऑब्स्ट्रक्शन हट जाएगा। जो भी लेआउट करेंगे तब साइकिलेस करेंगे, जिससे ऑब्स्ट्रक्शन हट जाएगा तो स्मूथ हो जाएगा, उस वहाँ पे हमारा काम करना ईजी हो जाएगा। वो हो गया इकोनॉमिकल, यानी कि पहले से हम सामान को मंगा कर रख लिए, उसका किराया भाड़ा कम हो गया, यानी कि जब सस्ता रहा था अभी हम उस मटेरियल को उठा कर रख लिए, तो उससे भी हमारा जो होगा लोड वो कम हो जाएगा, वर्किंग मतलब प्रोजेक्ट जो होगा उसमें इकोनॉमिकल हो जाएगा। वो रिड्यूस द कंप्लीटेशन टाइम ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि जितना हम लोग डिसाइड करके चले जाते थे कि कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं उसका हम लोग 10 महीने लेके चले थे कि 10 महीने में ये बिल्डिंग बन जाएगा, क्या पता सब कुछ अच्छा रहे सब कुछ ठीक रहने के बाद वो हमारा 8 ही महीने में बन जाए, 9 ही महीने में बन गया, वही रिड्यूस कर दिया हमने टाइम को यहाँ पे अच्छा रहेगा, जॉब लेआउट अच्छा से बना रहेगा तो वो रिड्यूस कर देगा टाइम को। प्रोवाइड मोर सेफ्टी इन द वर्किंग ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि जो भी हम यहाँ पे प्रोजेक्ट बिल्डिंग बना रहे हैं ऊपर, क्या पता बिल्डिंग उतना ऊपर हो गया 20 मंजिल ऊपर जाके लेबर को लटक के बनाना है या कुछ भी करके बनाना है, तो वहाँ पे ज़्यादा सेफ्टी आपको दिया जाएगा, प्रोवाइड रहेगा कि कुछ भी होता है तो साइड पे आपको तुरंत चेकअप हो जाएगा, तुरंत सब कुछ हो जाएगा, तो मोर सेफ्टी, ज़्यादा सुरक्षा आपको वहाँ पे प्रदान रहेगा जॉब लेआउट के कारण। मटेरियल वेस्टेज एंड डिटोरेशन आर रिड्यूस, यानी कि देखिए वहाँ पे सुपरवाइजर रहेगा या कुछ भी रहेगा, कोई भी आपका जो वहाँ पे सुपरवाइज करेगा उस काम को, जूनियर इंजीनियर रहे या अपने जो पर्सनल सुपरवाइजर रखा वो रहे या किसी प्रकार के जो ठेकेदार को दिया तो वो ठेकेदार रहे, तो कम से कम मटेरियल का वेस्टेज करवाएगा, यानी कि वो कम से कम मटेरियल का वेस्ट होने देगा, और डिटोरेशन यानी टूट फूट का नुकसान कम से कम होगा, क्योंकि हम साइड पर स्टोरेज रूम जो बना रहे थे उसमें स्टोर करके रखेंगे सब कुछ, वहाँ कम से कम वेस्ट होने के चांसेस रहेगा, यानी कि जो काम खत्म हुआ जितना सामान हम यहाँ यूज़ किए उसका तुरंत ला के हम स्टोरेज रूम में रख देंगे, फिर नेक्स्ट दिन यहाँ से उठा के यहाँ लेके जाएंगे, और जो वहाँ पर जरूरत जैसे कि ब्रिक का कुछ नहीं होगा तो ब्रिक को रात भर यहाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन सीमेंट के पैकेट में मॉइस्चर आ जाएगा तो उसको उठा के यहाँ ले जाएंगे या यहाँ ला के फिर उसको सुरक्षा के दे के रख देंगे। तो वेस्टेज और डिस्ट्रेशन कम से कम होता हो ऐसे कब, जब हम जॉब लेआउट को मतलब पहले से प्लान करके रख लेते हैं जॉब यहाँ बिल्डिंग के लिए, कि जॉब लेआउट पहले से हम प्रिपेयर करके रख लेते हैं तब। मटेरियल ट्रांजेक्शन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने लाने के लिए बिकम इजी हो जाएगा, क्योंकि देखिए हम इसी फ्लोट के अंदर ना रखे हुए हैं, यानी कि हम यहाँ पे मटेरियल हमको जरूरत है यहाँ से लेके आ रहे हैं तो वो तो नहीं होगा हमारे पास, उतना दूर से यहाँ पे मंगाएंगे, तो वही कह रहे हैं कि यहीं पे रखे हुए हम तो यहाँ से यहाँ ले जाने लाने में कितना जल्दी होगा, स्पीडली अच्छा से हो जाएगा यहाँ पे मतलब तेजी से। इकोनॉमिकल यानी कि इतना दूर से लेके आते हैं तो क्या होता है रास्ते में कुछ भी रहे टूट फूट होने के चांसेस रहे, यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे हमको पता है कि इसी रास्ते से हमको मटेरियल लेके जाना है सब कुछ, तो यहाँ पे हम इजीली लेके आएंगे और कम से कम नुकसान भी होगा। इधर मटेरियल स्टोर है हम थोड़ा सा लाके यहाँ पे रख दे ताकि जो भी हमारा मिस्त्री काम कर रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे मटेरियल मिल सके, तो ईजी होगा, स्पीडली होगा, इकोनॉमिकल होगा। वो इंक्रीज द आउटपुट फ्रॉम लेबर एंड मशीनरीज, यहाँ पे मटेरियल उपलब्ध है जो भी मिस्त्री रहेगा वो काम अच्छा से करेगा, यानी कि उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले पाएंगे, और मशीनरीज भी हमारा जो वही इक्विपमेंट वाला सेक्शन था और प्लांट वाला वहीं पे उपलब्ध रहेगा साइड पे ही, हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा यूज़ कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे, जिसके कारण हमारा इंक्रीज हो जाएगा उसका जो भी मतलब जो भी उसका आउटपुट हो वो सामान्य की तुलना में इंक्रीज हो जाएगा। तो यही सब एडवांटेज था जिसका, देखिए ये पॉइंट वेस्टेज वाला पॉइंट, फिर इकोनॉमिकल जो है, ये सब चीज़ आपको कॉमन पॉइंट है किससे, पर्पस में भी ये सब पॉइंट आए थे, यहाँ पे भी ये सब पॉइंट आए हैं, तो यानी कि ये ज़्यादा नहीं था आपको समझने लायक, लेकिन फिर भी हमको लगा लिखवा देना चाहिए तो इसलिए लिखवा दिया आपको। आप इसको उतारिए, हम इसका फैक्टर लेके आते हैं, फैक्टर में आपको थोड़ा सा समझाएंगे, उसका ये लेक्चर यहीं पर समाप्त करेंगे। चलिए दोस्तों इस वीडियो का मतलब आखिरी टॉपिक देख लेते, क्या तो फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ जॉब लेआउट, यानी कि जॉब लेआउट को कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है। इसमें देखिए मेनली वो फैक्टर होंगे जो हम कंसीडर करते हैं, ये नहीं कि अब छोटा मोटा फैक्टर जैसे कि कोई काम मटेरियल घट गया तो हो गया, तो वही छोटा मोटा फैक्टर नहीं लेना हमको, जो छोटा मोटा फैक्टर नहीं लेना है, वो फैक्टर हम लेंगे कि जिसके द्वारा हमको खास रियलिटी काम में कुछ हो नुकसान हो या कुछ रुक जाए काम, जिसके कारण हमारा जो बिल्डिंग है वो नहीं बने,
उन सब चीज़ों को कंसिडर करेंगे तो वहीं पे आप थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश किया हमको। इसमें बहुत सारे फैक्टर आ सकते हैं लेकिन ये मेन 8 फैक्टर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये फैक्टर के बाद हम अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त कर देंगे, ठीक। आप पहले देख लेते हैं फैक्टर क्या, उसका लेक्चर समाप्त करेंगे। देखिए पहला हमने क्या लिया, तो नेचर ऑफ प्रोजेक्ट। नेचर ऑफ प्रोजेक्ट यानी कि जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो कैसा है, बड़ा है, छोटा है, या डैम बना रहे हैं हम, या फिर कहीं पे बिल्डिंग बना रहे हैं हम। बिल्डिंग बना रहे हैं तो कैसा बिल्डिंग बना रहे हैं, लोड बना रहे हैं, लोड बेयरिंग बना रहे हैं, या फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। वही नेचर ऑफ प्रोजेक्ट वो कैसा है वो चीज़ हम पहले डिसाइड करते हैं। इसमें पहला टॉपिक वो हो गया जिसके कारण ये मेन फैक्टर है जिसके कारण बिल्डिंग बना रहे तो कैसा बिल्डिंग बनेगा कैसे नहीं बनेगा उसके अनुसार ना हम जॉब लेआउट को प्रिपेयर करेंगे। फिर लोकेशन, वो कहाँ पे है, उस जगह का एरिया, आसपास का एरिया कैसा है, यानी कि हम लोग सोच लेंगे हम चल घर बनाना है भाई, आप कैसे बन जाना है, अब जाके बना लिया कि सब अगल बगल दुश्मन बैठे हैं तुम्हारा पीछे में, तुम जाके वहाँ घर बना लिया, यानी कि अगल बगल पूरा एकदम खूंखार लोग बैठे हैं, गुंडाई वाला एरिया, और वहाँ जाके पीछे में घर बना लिया, कोई फायदा होता भैया? तो भाई कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसलिए उस लोकेशन को पहले चेक करते, एरिया को चेक करते हैं। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी यानी कि देखिए टोपोग्राफी का मतलब होता है ना सिंपली कि जिस भी जगह पे हम जा रहे हैं वहाँ का लैंड कैसा है, यानी कि वहाँ का जमीन कैसा है, वो नेचर में हार्ड है, लूज है, या हिली हिल है, यानी पत्थर है, रॉक वाला एरिया है, कैसा है वो। हार्ड रहेगा तो वहाँ पे हम जो जॉब लोड करके बाद फाउंडेशन का मतलब करेंगे, फाउंडेशन बनाएंगे तो कम पे बनाना पड़ेगा, रॉक पर रहेगा तो वहाँ पे और कम पे बनाना पड़ेगा, लूज रहेगा तो हमको ज़्यादा अंदर जाना पड़ेगा, गड्ढा खोदना पड़ेगा। तो भाई टोपोग्राफी वहाँ का कैसा है, टोपोग्राफी यानी कि सीधा समझिए वहाँ का जमीन कैसा है बस। आपने देखा होगा कहीं कहीं एकदम दलदल वाला एरिया रहता है कि जैसे कि कोई आदमी जा रहा है धीरे 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 धीरे, जब आप देखेंगे फिल्म में कि धीरे 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 अंदर जा रहे हैं दलदल में, मतलब जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा हो जाए, ऐसा एरिया जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत समय लंबे समय के लिए पानी वहाँ पे इकट्ठा रहे मिट्टी में, तो उस जगह को हम दलदल एरिया बोलते हैं, यानी कि डैम्पनेस बोलते हैं वहाँ पे, ठीक। तो भाई आप आगे पढ़ के मतलब आगे चलेगा ना तो एक बुक आएगा आपको इरीगेशन, उसमें आपको इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है कि वेटनेस एरिया क्या होता है, दलदल एरिया क्या होता है, वो सब कुछ आपको उसमें बताया जाएगा। तो भाई कि वैसे एरिया में देखिए हम लोग कितना भी नीचे जाएंगे दलदल हमको प्राप्त होते ही जाएगा, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमको नीचे जाके फर्नीचर अपना देना पड़ेगा या एक्स्ट्रा मिट्टी ऐड करना पड़ेगा उसको मेंटेन करने के लिए, मॉइस्चर उसका पूरी तरह से निकालने के लिए। तो इसलिए वहाँ पे मतलब टोपोग्राफी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए, ठीक। फिर मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड टाइप, कंस्ट्रक्शन मेथड और टाइप, यानी कि टाइप वही कि फ्रेम बना रहे हैं, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि कंपोजिट बना रहे हैं, टाइप वो हो गया। अब मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या हो गया, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ये हो गया कि हम किसी इंजीनियर के द्वारा बना रहे हैं या किसी सुपरवाइजर के द्वारा बनवा रहे हैं, किसी ठेकेदार के द्वारा बनवा रहे हैं या खुद वहाँ पे सुपरविजन कर रहे हैं। तो ये मेथड हो गया किस तरीके से हम बना रहे हैं वही उसका मेथड हो गया, और कौन सा बना रहे हैं स्ट्रक्चर वो उसका टाइप हो गया। फिर एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज यानी कि वहाँ पे जो भी हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल है यानी वही बता रहे थे आपको, जो संसाधन है वो कितना ज़्यादा अवेलेबल है, कितना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। कम अवेलेबल रहेगा तो हमारा काम रुकने का चांसेस रहेगा, वहाँ पे फैक्टर इफेक्ट करेगा हमको, और ज़्यादा अवेलेबल रहेगा तो फिर खराब होने का चांसेस रहेगा, यानी कि जितना जरूरत है उतना ही हमको वहाँ पे रहना चाहिए। फिर मटेरियल फैसिलिटीज, इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि जो भी हम मटेरियल लगा रहे हैं वो गुड क्वालिटी का या अच्छे क्वालिटी का है या कम खराब क्वालिटी का या मीडियम मॉडरेट है कि काम चल सकता है। तो अच्छे क्वालिटी का रहेगा तो वहाँ पे कुछ भी नुकसान होगा तो हमको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, खराब क्वालिटी का रहेगा तो वहाँ पे टूट फूट होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, यानी कि मॉडरेट क्वालिटी का रहेगा तो वहाँ पे हम आसानी से उसको यूज कर सकते हैं, उसको नुकसान भी उतना ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा खराब भी नहीं हो पाएगा वो। फॉर अप्रोच यानी पहुंचने के लिए हमारे पास टेम्पोरेरी रोड भी रहना चाहिए, रोड नहीं रहेगा तो हम क्या पता जो जॉब लेआउट करने वाला इंजीनियर है वो आपके साइड पे पहुंच ही नहीं सके, हो जाएगा तो आपका जॉब लेआउट नहीं होगा तो फिर बिल्डिंग भी आगे नहीं बनेगा। तो भाई रोड वहाँ पे पहुंचने के लिए अप्रोच अच्छा हुआ होना चाहिए, अप्रोच अच्छा नहीं होगा तो मटेरियल भी नहीं पहुँचेगा, मटेरियल नहीं पहुँचेगा तो घर भी नहीं बनेगा, फिर वहाँ लेबर भी नहीं पहुँच पाएंगे, कुछ मतलब रोड के बिना कुछ हो ही नहीं पाएगा, समझिए। तो भाई रोड अप्रोच के लिए हमारे पास टेम्पोरेरी रोड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर कंस्ट्रक्टर साइट इंजीनियर ऑफिस यानी कि जो भी हम वहाँ पे इंजीनियर है, जो भी इंजीनियर रहेगा उस प्रोजेक्ट का, उसके लिए अभी वहाँ पे हमको एक ऑफिस देना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे वो एकदम देखते रहेगा कि कितना बिल्डिंग बना है, किस लेवल तक बना है, हम जहाँ तक डिज़ाइन किए उस हिसाब से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा तो फिर ठेकेदार को बोलेगा तोड़ के द्वारा बनाएगा। इस चीज़ के लिए हम वहाँ पे इंजीनियर का जो ऑफिस है वो रहना नेसेसरी है, एकदम मस्ट है, नहीं रहता है तो ठेकेदार अपन मन से बने ले चल जाएगा, इंजीनियर दे दिया तब वो अपन मन से बने ले चल जाएगा, बाद में फिर तोड़ दिएगा तो नुकसान आप ही का होगा,
इसलिए वहाँ पे रहना इंजीनियर का ऑफिस एकदम नेसेसरी है, ताकि वो वहाँ पे जाए रहे, बताए ठेकेदार को, समझाए समझे उससे थोड़ा बहुत। फिर अदर फैसिलिटीज जैसे कि ड्रिंक केबल वाटर, पीने का पानी वहाँ पे उपलब्ध नहीं है, तो क्या पता लेबर रहे या कुछ भी इंजीनियर ही आपका रहे वहाँ पे, वो पीने का पानी के चक्कर में बहुत ज़्यादा जूझेगा समस्या से, काम छोड़ दे, नहीं आए अगले दिन से, कुछ भी करे, तो भाई पीने का पानी रहना चाहिए वहाँ पे, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटरी यानी कि शौचालय की सुविधा रहनी चाहिए, सप्लाई ऑफ पावर यानी कि मशीन जो चलाएंगे हम या प्लांट जो लगाएंगे उसमें पावर का यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत रहे, तो उस वो चीज़ वहाँ पर रहना चाहिए, टेलीफोन कनेक्शन रहना चाहिए, जो दूर दूर से आके रह रहे हैं वहाँ पे, क्या पता कोई ऐसा भी लेबर होगा जो दूर से आके रह रहा है लेकिन उसके पास मोबाइल ले रहे, तो भाई कनेक्शन भी रहना चाहिए टेलीफोन का, ताकि वो अगला आदमी को कॉल कर सके, या किसी इमरजेंसी के केस में आप फंसे तो तुरंत वहाँ से कॉल करके अपने एरिया पर बता के वहाँ पर कुछ भी सुविधा मंगवा सकें हम। तो यही सब फैक्टर है इसका, ये सब इसके कारण ही इफेक्ट होता है जॉब लेआउट, कि यहाँ पे ये चीज़ है या नहीं है, इसके कारण ये चीज़ होगा या नहीं होगा, तो उसी कारण ये जॉब लेआउट इफेक्टेड होता है। यहाँ पे हमारा फैक्टर इफेक्टिंग जो है वो खत्म होता है, यानी कि जॉब लेआउट का जो हम था पूरा यहाँ पे देख लेते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक का हम लेआउट स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे जॉब लेआउट मतलब खत्म होता है, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग लेआउट स्टार्ट करेंगे। लेआउट एक अलग पार्ट ही होता है, मतलब कि उसमें हम जनरली अब जमीन पे काम करना स्टार्ट कर चुके हैं, हम जो भी नक्शा पे बनाए थे हम उसको जमीन पे उतारना स्टार्ट कर चुके हैं, हम ये सब चीज़ इकट्ठा कर चुके हैं, मटेरियल हमारे पास आ चुका है, अब इंजीनियर हमारे पास अवेलेबल है, या फिर बिल्डिंग बनाने के लिए जो लेवल चाहिए वो भी अवेलेबल है, सब चीज़ अवेलेबल है हमारे पास। अब हम जो लेआउट कागज़ पे किए हैं, जो नक्शा हमको दिखाए थे, उस नक्शा को अब जमीनी स्तर पर उतारना है, इसलिए हम उसको जब जमीनी स्तर पर उतारते हैं ना, तो उसको लेआउट करना खाली लेआउट नाम देते हैं, तो वही हो गया। लेआउट हम करेंगे अगले मतलब अगले वीडियो में लेआउट के बारे में बताएंगे, यानी कि लेक्चर टू में बताएंगे, यूनिट फोर के लेक्चर टू में हम उन सब चीज़ों को देखेंगे। इससे पहले जाने से पहले प्लीज़ अगर जो आपको ये सेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और देखते रहिए ऐसे ही टीच वर्ल्ड इन बिहार पॉलिटेक्निक को। थैंक यू।